नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। अगर आप लोग वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सफलता बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सफलता बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल सैम क्लास स्टडी पर। आपको इस बैच में आपको डेली सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्रैक्टिस सेट है, ये वही प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, और इन्हीं प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट से आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में आपको निश्चित ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप पुलिस प्रैक्टिस सेट के साथ जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 248 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहाँ से आप एक एक करके हर एक प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 249 वर्दी हमारी शान। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है नींद का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो क्या कहलाता है, तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। क्या हिप्नोलॉजी कहलाता है नींद का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये आपको बताना। तो ये बनाया गया था केसी नियोगी को प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कर्मद्दु किनका कथन था। तो ये किनका कथन था कर्मद्दु, तो ये कथन था सरदार पटेल का। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मत था कर्मद्दु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनकी समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। तो किनके समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राजीव गांधी, किसके राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चावल का प्राचीन नाम क्या था। तो क्या था चावल का प्राचीन नाम, ये आपको बताना है। तो इसका प्राचीन नाम था बिरही। क्या बिरही, ये चावल का प्राचीन नाम था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था। तो कौन था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा, तो ये था बाजीराव प्रथम। कौन बाजीराव प्रथम, ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किसके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो कितने लीटर के बराबर होता है एक गैलन, ये आपको बताना। तो एक गैलन होता है 4.54 लीटर के बराबर। कितने 4.54 लीटर के बराबर होता है एक गैलन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से आपके सामने के हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है। तो किसके कारण से होता है हल्दी में पीला रंग, ये आपको बताना है। तो ये होता है कुर्कुमिनन के कारण। किसके कुर्कुमिनन के कारण हल्दी का पीला रंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था। तो क्या था भारत की पहली रेलगाड़ी का नाम? तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या? ब्लैक ब्यूटी ये भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? तो किसने बनाया था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर? तो ये बनाया था एनरिको फर्मी ने। किसने? एनरिको फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान, ये आपको बताना है। तो ये होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है आसियान का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो ये मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है आसियान का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वासियोरकर रोग किस बीमारी की, सॉरी क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है ये रोग? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष हैं बाईवी रेड्डी। कौन? बाईवी रेड्डी हैं 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था तड़ित चालक का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिनामकम हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ पर है मिनामकम हवाई अड्डा? तो ये हवाई अड्डा है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग हो जाता है कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को? तो इन्हें हो जाता है सिलोकोसिस रोग। कौन? सिलोकोसिस रोग कोयले की खान में काम करने वालों को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दूध का सफ़ेद रंग? तो ये होता है केसिन की उपस्थिति के कारण। किसके? केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का सफ़ेद रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तो कौन सा है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? तो ये है फ्लोरीन। कौन? फ्लोरीन है सबसे विद्युत सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया था क्रिप्स मिशन भारत? तो ये आया था 1942 में। कब? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ईसा मसीहा को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो किस वर्ष चढ़ाया गया था, सॉरी किस दिन चढ़ाया गया था ईसा मसीहा को सूली पर? तो ये चढ़ाया गया था यानी शुक्रवार के दिन। किसके दिन? शुक्रवार के दिन ईसा मसीहा को सूली पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग के द्वारा होता है? तो कौन से जल मार्ग के द्वारा भारत का यूरोप से व्यापार होता है? तो ये होता है स्यूज नहर के द्वारा। किसके? स्यूज नहर जल मार्ग के द्वारा भारत का यूरोप से व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी एशिया कप हॉकी की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। कब? 1982 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो उसमें प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है लुधियाना? तो ये सतलज नदी के तट पर। किसके? सतलज नदी के तट पर है लुधियाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो किस एनएच को कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है एनएच वन और टू को। कैसे? एनएच वन और टू को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपको बताना। तो ये हुआ था 1576 में। कब? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा बंदरगाह सूज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो कौन सा बंदरगाह है जो सूज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कोचीन बंदरगाह। कौन? कोचीन बंदरगाह। ये सूज नहर बंदरगाह सूज नहर मार्ग पर पड़ता है ये बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था कारीगर का प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम था कारुक। क्या? कारुक था कारीगर का प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है? तो कितना फीसदी होता है भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से? तो ये होता है 95%। कितना? 95%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई? तो किस वर्ष प्रभावी हुई भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली? तो ये हुई 1 अक्टूबर 1957 से प्रभावी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष? तो ये कहा जाता है 1921 को। कब? 1921 को कहा जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जौ का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था जौ का प्राचीन नाम? तो जौ का प्राचीन नाम था यब। क्या? यब था जौ का प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस पेट्टा सेट का कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व? तो इसका नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।